नमस्कार दोस्तों, आज की राजनीति उस ड्रामे की तरह हो गई है जिसमें पात्र रोल तो करता है लेकिन उसका असर केवल पर्दे तक ही रहता है। असली जीवन में जमीन आसमान का अंतर होता है। ऐसे ही राजनीति इस समय अयोध्या में शुरू हो गई है। यहाँ पर बारिश की शुरुआत हुई तो पानी में सड़क डूबने लगी और रामपथ को तहस नहस कर दिया। इस रामपथ को बने हुए अभी चंद महीने भी नहीं हुआ था लेकिन यह पहली सीजन की बारिश भी नहीं झेल पाई। सड़क पानी में डूबने लगी तो अनगिनत जगहों पर सड़क जमीन में धस गई, बड़े बड़े गड्ढे हो गए। योगी सरकार की किरकिरी होने लगी तो पहले पीडब्ल्यूडी विभाग के 3 इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद आनन फानन में कल शनिवार को जल निगम के 3 इंजीनियर को भी निलंबित किया गया। इन अफसरों पर 14 किलोमीटर लंबे रामपथ के निर्माण और सीवर लाइन बिछाने में घोर लापरवाही का आरोप है। अधिकारियों के निलंबन की कार्रवाई ऐसे समय में हुई जब सरकार की खूब छीछालेदर होने लगी, सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को उठाया जाने लगा। मतलब तीसरी बारिश में समूची सड़क निर्माण और घोर लापरवाही का मुद्दा जब जोर शोर से गूंजने लगा तब अधिकारियों को निलंबित किया गया। सत्ता विपक्ष के कथित राजा तमगा पाने के बाद राजनीति चमकाने के फिराक में थे ही, बस क्या था, सामने खूबसूरत मुद्दा मिल गया। शनिवार को सांसद अवधेश प्रसाद ने शहादतगंज से अयोध्या तक रामपथ का स्थलीय निरीक्षण किया। सड़क पर मौजूद गड्ढे के पास वे अपनी गाड़ी रोक दिए और जाकर उस गड्ढे को हाथों से कुरेदा फोटोग्राफी कराकर अपने साथ ले गए। इस दौरान उन्होंने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। अवधेश प्रसाद ने इस मामले को संसद में भी उठाने की बात कही, जबकि अयोध्या के महापौर गिरीशपति त्रिपाठी, बीजेपी विधायक रामचंद्र यादव दोनों ने रामपथ का निरीक्षण किया और जल्द ही मार्ग सही हो जाने का लोगों को विश्वास दिलाया। रामनगरी के रामपथ पर फिलहाल देर सवेर चकती तो लग ही जाएगी लेकिन निर्माण के चंद महीने में ही रामपथ का टूट जाना सवालिया निशान छोड़ जाता है। इसके साथ ही यह भी दर्शाता है कि जब रामपथ का निर्माण हो रहा था तो क्या अधिकारियों द्वारा इसका स्थलीय निरीक्षण व जांच सही ढंग से किया गया था? क्या मानकों के अनुरूप रामपथ का निर्माण किया गया था? हम सवाल यह भी करते हैं कि जब अयोध्या जैसे स्थान पर रामपथ के निर्माण में भ्रष्टाचार कर दिया गया, जिसकी मॉनिटरिंग केंद्र में बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसको मंदिर का उद्घाटन करना था, और उत्तर प्रदेश के मुख्यालय पर बैठे प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जो समय समय पर अयोध्या आकर निर्माण संबंधी ब्यौरा एकत्रित कर रहे थे कि कोई कमी छूटने ना पाए, बावजूद इसके इतने महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार कर दिया गया। और यह ऐसा भ्रष्टाचार किया गया कि अभी चंद महीना भी नहीं बीता है और रामपथ की ऐसी दुर्दशा हो गई है जिस पर हर कोई हैरान है। अब देखना यह होगा कि लोक निर्माण विभाग और जल निगम के कुल 6 अधिकारियों के निलंबन का क्या प्रभाव पड़ता है। क्या निलंबन एक खानापूर्ति है, लोगों के आक्रोश को शांत करने का एक माध्यम है, और इस मुद्दे को क्या संसद में सही ढंग से पेश किया जाएगा, और अगर पेश किया जाएगा तो उससे निष्कर्ष क्या निकलेगा, यह भी एक अहम सवाल है। तो दोस्तों, अयोध्या जैसे धार्मिक स्थल रामपथ के निर्माण में हुए भ्रष्टाचार पर आपकी क्या राय है, कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। इससे लोगों को अंदर कानों में जू रेंगेगा, अधिकारी इससे थोड़ा बहुत सक्रिय हो जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।